तो भाई जैसा कि तुमको पता ही है कि आज के दिन मैच खेला जाना है राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, लेकिन इस मैच के शुरू होने से पहले भैया दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही दुख भरी खबर है। पहली तो भैया राजस्थान के लिए है कि जो जॉस बटलर हैं उनको फिंगर में इंजरी हो गई है, जिसके चलते वो नहीं खेल पाएंगे एक हफ्ते के लिए। और वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स वालों के लिए भैया दुख भरी खबर ये है कि जो मिचेल मार्श हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ खासा अच्छा किया नहीं है, लेकिन फिर भी भैया उनकी टीम के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं और खासकर जिस तरीके दिल्ली इस समय हग रही है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उनको चाहिए था भैया मिचेल मार्श की तरफ से, लेकिन जो मिचेल मार्श है वो भी एक हफ्ते के लिए घर लौट गए हैं, शादी होनी भैया उनकी। ए, रहा नहीं जाता। लेकिन जहां दुख भरी खबर राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए थी, तो यहीं पे आरसीबी वालों के लिए खुशखबरी है कि जो वेन पार्नल हैं वो भैया ज्वाइन कर लिए हैं आरसीबी को। जी हां, रिप्लेसमेंट आए हैं, अब खेलेंगे, देखो कैसा खेलते हैं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चलो काम ही आएंगे मेरे हिसाब से। तो बाकी अब मैं यहां पे आपको एक बहुत ही कमाल की बात बताने वाला हूं। देखो अभी तक जितनी भी टीम्स हैं आईपीएल में उनके लगभग 2 से 3 मैचेस हुए हैं, और अभी तक जितनी भी आईपीएल हुई है उसको लेके आईपीएल ने भैया एक पोल कराया था कि इस आईपीएल का अभी तक का मोस्ट जो एक्साइटिंग प्लेयर है वो कौन सा रहा है और जो मोस्ट एक्साइटिंग टीम रही है वो कौन सी रही है। तो सोचिए भैया वो प्लेयर कौन है जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग यहां पे रहा है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो वो नाम है थाला महेंद्र सिंह धोनी। और वहीं पे भैया जो मोस्ट एक्साइटिंग टीम का अवार्ड लेके गई है वो है नन अदर देन थाला की टीम भैया चेन्नई सुपर किंग्स। अगर बात करें दूसरी रैंक की तो दूसरे नंबर पे आते हैं किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली और उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और वहीं पे तीसरे नंबर पे आते हैं भैया रोहित शर्मा और उनकी टीम मुंबई इंडियंस। जबकि भैया रोहित शर्मा ने अभी तक कुछ ऐसा खास करा भी नहीं है और ना ही मुंबई इंडियंस ने कुछ खास करा है, रोहित शर्मा ने तो कुछ भी खास नहीं करा है, लेकिन उसके बावजूद भैया जब बात एक्साइटिंग प्लेयर की आई तो पता नहीं कहां रोहित शर्मा को मिल गया, इसी को तो भोकाल कहते हैं भैया, जलवा है हमारा। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि भैया आईपीएल में चाहे कोई भी प्लेयर रन मारे या फिर चाहे कोई भी प्लेयर विकेट ले, लेकिन आईपीएल जो है भैया 3 ही प्लेयरों की वजह से चल रही है। पहले तो हैं एमएस धोनी, दूसरे हैं विराट कोहली और तीसरे हैं रोहित शर्मा। और वहीं पे जो आईपीएल है वो 3 टीमों की वजह से चल रही है, पहली है सीएसके, दूसरी है आरसीबी और तीसरी है मुंबई इंडियंस। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब एक बार एमएस धोनी सीएसके से चले जाएंगे, जब एक बार विराट कोहली आरसीबी से चले जाएंगे और जब रोहित शर्मा एमआई से चले जाएंगे, तो क्या ये जो टीमें हैं ये इतनी ही पॉपुलर रहेंगी। देखो मेरा तो मानना यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है कि भले ये तीनों प्लेयर रिटायर जब भी होंगे, मतलब जब भी इनका वक्त आएगा, धोनी का तो जल्दी आ सकता है, तो मुझे ये कन्फर्म है कि ये तीनों ही प्लेयर अपनी टीम के साथ भैया जुड़ेंगे, किसी ना किसी रूप में जुड़ेंगे, क्योंकि टीम को ही पता है भैया जो फैन फॉलोइंग है हमारी टीम की वो इन्हीं की वजह से तो है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनको ये लग रहा था कि भैया आने वाले टाइम में जो संजू सैमसन है वो हमको इंडियन टीम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संजू सैमसन खेल भी अच्छा रहे थे, तो उनके लिए भैया एक बहुत ही दुख भरी खबर है कि संजू सैमसन आपको 2023 वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं। क्या बात कर रहे हैं? पर वो देखने से पहले जैसा कि तुम जानते ही हो कि आज के दिन होने हैं 2 बड़े महामुकाबले, पहला मैच राजस्थान और दिल्ली के बीच, तो वहीं पे दूसरा मैच होना है एल क्लासिको मुंबई और सीएसके के बीच। तो इसी बात पे ट्रेगो पे पिटीशन करना बनता है ना, सिर्फ यस या नो ही तो करना है भाई। और जब बात आती है यस या नो करने की, आज के क्वेश्चन क्या है, पहले मैच के लिए कि क्या भैया जो राजस्थान रॉयल्स है वो दिल्ली कैपिटल्स को हराएगी, दूसरा क्वेश्चन जो है एल क्लासिको के लिए कि क्या जो मुंबई है वो सीएसके को हराएगी, और वहीं पे तीसरा क्वेश्चन है कि जो ऋतुराज गायकवाड़ है दूसरे मैच में क्या वो 30+ का स्कोर करेंगे। देखो कौन किसको हराएगा वहां पे तो मैं फिर भी डाउट में हूं, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ 30+ का स्कोर करेंगे, मुझे लगता है 100% करेंगे, जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो इसीलिए मैंने आंख बंद करके तीसरे क्वेश्चन पे 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए हैं। आपकी जो भी प्रेडिक्शन है अभी जाके इन्वेस्ट कर दीजिए, बहुत ही आसान है इन्वेस्ट करना, कुछ भी नहीं करना है, रेट और क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, बस हो गई प्रेडिक्शन, और जैसे ही आपकी प्रेडिक्शन सही जाएगी पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी अगर अभी तक तुमने ट्रेगो पे अपना फर्स्ट रिचार्ज नहीं कराया है तो भाई मूर्खता कर रहे हो, फर्स्ट रिचार्ज पे 20% का कैशबैक मिल रहा है भाई, कितनी बार बताऊं। बाकी जैसा कि तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ट्रेगो पे अब लीडर बोर्ड भी शुरू हो चुका है, जहां पे टॉप 3 लोगों को थाईलैंड की ट्रिप मिल रही है और बाकी लोगों को बड़े बड़े कैश प्राइजेस मिल रहे हैं, तुम उन टॉप 10 लोगों का रेफरल कोड भी देख सकते हो। तो भाई तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और प्रिंट करने में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो, साइन अप करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करो जोशी25, जिससे तुमको ₹25 का बोनस इंस्टेंटली मिल जाएगा, जिससे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। बाकी बिल्कुल मत सोचो भाई, एकदम सेफ है, सिक्योर है, लीगल है, बहुत ही आसानी से विड्रॉ हो जाता है यूपीआई के थ्रू भाई, तो क्या सोचना, अभी जाओ ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि वहां पे चलते हुए
मैच के दौरान मैं सारे क्वेश्चन डालता रहता हूँ जो ट्रेको पे लाइव होते हैं, तो वहां से भी जाके तुम यस या नो कर दोगे, भले ही तुम मैच नहीं देख रहे होगे तो भी भैया पैसा ही पैसा होगा। तो बिल्कुल ही वेट मत करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी जाके ट्रेको को डाउनलोड करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो जैसा मैं कह रहा था कि जो संजू सैमसन है वो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आपको खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो मैं जो रीजन देने वाला हूँ बहुत ही भैया सा है, तुम उसके बाद मुझको गरिया भी सकते हो, लेकिन सोचने वाली बात है ये, क्योंकि हाल ही में रिकी पॉन्टिंग से पूछा गया कि भैया 2023 वर्ल्ड कप के लिए आप किन दो विकेट कीपरों को देखते हैं इंडियन टीम में जाते हुए, तो रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि भाई मुझे तो लगता है कि केएल राहुल जाएंगे और उनके साथ में ईशान किशन जाएंगे। मतलब ईशान किशन किस लॉजिक से जाएंगे, नहीं नहीं किस लॉजिक से जाएंगे, और संजू सैमसन ने ऐसा क्या गलत किया है कि जो नहीं जाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि भाई संजू सैमसन को इंडिया वालों ने इतना कम खिलाया है कि कुछ लोग को तो पता ही नहीं है बाहर कि संजू सैमसन भी एक ऑप्शन है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखो भाई मेरा तो एक सिंपल सा कहना है कि मैं भी मानता हूँ कि केएल राहुल भैया ओडीआई टीम के लिए एक अच्छी चॉइस होंगे, और खासकर वो ओडीआई में जिस नंबर पे खेलते हैं वहां तो अच्छी खासी चॉइस होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम भैया संजू सैमसन को 15 में तो लेके जाओ। भाई ईशान किशन से ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, ईशान किशन ज्यादा काम आएगा, और भाई ईशान किशन से वो ओपनिंग के प्लेयर हैं, चौथे पांचवें नंबर पे जरूरत पड़ेगी ना तो ईशान किशन घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे। बीच में भी केएल राहुल शादी के लिए गए थे तब ईशान किशन को खिला रहे थे वहां पे, क्या किया कुछ नहीं। और संजू सैमसन वहीं पे ऐसे प्लेयर हैं कि अगर गलती से भैया ओपनिंग करने की जरूरत पड़ गई ना तो संजू सैमसन कहेंगे क्यों नहीं भाई बिल्कुल करेंगे, फर्स्ट डाउन खिला लो बिल्कुल करेंगे, चौथा नंबर पांचवा नंबर छठा नंबर सातवां नंबर आठवां नंबर सब कुछ करेंगे, कीपिंग तो कर ही लेते हैं, अब बॉलिंग का पता नहीं मुझे। सही बात है। अब जैसा कि तुमको पता ही है कि भैया आज के दिन होना है एल क्लासिको, यानी कि मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। खैर किस टीम को तुम सपोर्ट कर रहे हो कमेंट बता देना, भाई सबका जवाब चाहिए मुझे देखना है कि भैया असल सपोर्टर किसके हैं यहां पे। लेकिन यहां पे मैं तुमको वो बताना चाहता हूं जो किरण पोलार्ड ने इस मैच से पहले कहा है। किरण पोलार्ड ने कहा कि वैसे होने को तो ये हमारा पहला मैच है हमारे होम ग्राउंड में जिसको लेके हम काफी एक्साइटेड भी हैं, लेकिन वहीं पे हम ये भी सोच रहे हैं कि भैया पहला मैच ही हमारा सीएसके से पड़ गया होम ग्राउंड में, तो कहीं ना कहीं जब सीएसके से हमारा मैच होता है ना वो भी हमारे होम ग्राउंड में, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे होम ग्राउंड में हो रहा है। कम से कम पहला मैच इनको अगर होम ग्राउंड में रखना था हमारे तो ऐसी जगह रखते ना जहां पे भैया हमें फील आए कि नहीं भैया सारी जो ऑडियंस है हमें सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब भैया एमएस धोनी आ जाएंगे और जब एमएस धोनी खेलते हैं तो भैया सब लोग धोनी धोनी भी चिल्ला रहे होते हैं, बीच बीच में मुंबई भी चिल्ला रहे होते हैं, तो समझ ही नहीं आता है कि ये लोग जो है ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं या धोनी के सीएसके को सपोर्ट कर रहे हैं। बात तो सही है। तो कुल मिला के हमें आज के मैच में भी वही दृश्य देखने को मिलने वाले हैं कि जब तक भैया धोनी खेलने नहीं आएंगे तब तक तो पूरा नीला नीला होगा, लेकिन जैसे ही धोनी आएंगे तो सारी टी शर्टें उतरेंगी, अंदर से सब पीला पीला हो जाएगा, पूरा मैदान पीला पीला हो जाएगा। बस उम्मीद ये करते हैं कि भाई मैच अच्छा हो, जो कि भैया एल क्लासिको है तो मैच तो बढ़िया होगा। और मैच से पहले हमें कुछ कमाल की फुटेजेस भी देखने को मिली है जहां पे भैया जडेजा हो गए, रोहित शर्मा हो गए, रहाणे हो गए, आपस में कुछ गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज के मैच में रोहित शर्मा के साथ कौन जुड़े हैं, उनके सर पे हाथ रखने के लिए, उनको फॉर्म में वापस लाने के लिए कौन आ चुके हैं, नन अदर देन गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। वैसे जहां फुटेजेस की बात हो ही रही है तो जो हाल ही में मैच हुआ था आरसीबी और केकेआर का, उस मैच में भैया कई ऐसी फुटेजेस थी जो बहुत वायरल हुई, खासकर भैया शाहरुख खान और विराट कोहली जब मिले तो कसम से भैया सोशल मीडिया पे बवाल मच गया। लेकिन असल में भैया कमाल की बात यहां पे ये भी है कि उस मैच में जैसा कि आपको पता होगा कि शार्दुल ठाकुर थे जिन्होंने असल बवाल काटा था, और मैच खत्म होने के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है उसके बाद शार्दुल ठाकुर एक फोटो खिंचाते हैं जहां देखने को मिलता है कि भाई जितने भी अवार्ड्स थे उस दिन जितने भी अवार्ड्स थे सारे के सारे शार्दुल ठाकुर को मिले थे, और भैया वो उन्हीं अवार्ड्स के साथ बैठ के मस्त लेट के फोटो खिंचा रहे हैं। सही खेल गए बैंच। बाकी यहां पे एक कमाल की बात और बताना चाहूंगा। अब जैसा कि तुमको पता होगा कि जो जियो सिनेमा पे भैया लाइव स्ट्रीमिंग चलती है आईपीएल की, वहां पे जो हाईएस्ट व्यूअरशिप गई है दोनों बार तब गई है जब पहले मैच में एमएस धोनी बैटिंग करने के लिए आए थे और दूसरे मैच में फिर से एमएस धोनी बैटिंग करने के लिए आए थे। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं भैया इन दो इवेंट के बाद वो तीसरा इवेंट कौन सा है जहां पे जियो सिनेमा ने हाईएस्ट व्यूअरशिप देखी थी, तो तुम सुन के चौंक जाओगे, वो मोमेंट है जब शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह खेल रहे थे। हाँ भैया विराट कोहली के रहते भी नहीं आई है, रोहित शर्मा के रहते भी नहीं आई है, 1.3 मिलियन करीब गई है, नहीं सॉरी 13 मिलियन करीब गई है, पर भैया शार्दुल ठाकुर 14 मिलियन पहुंच गए हैं, बाकी धोनी का तो 18 मिलियन चल रहा है। उम्मीद है कि अगर आज धोनी की बैटिंग आई तो वो भी टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि आज तो भैया एल क्लासिको है। इसीलिए मैंने कहा कि भैया तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, धोनी या रोहित तो बात की बात है, मतलब वो ही बता सकते हो, लेकिन सीएसके और एमआई में से किसको सपोर्ट कर रहे हो,
कमेंट में जरूर बताना। बाकी बात वही है भैया, रोहित की वजह से एमआई को सपोर्ट कर रहे होगे और सीएसके की वजह से भैया धोनी को कर रहे होगे, तो कुल मिला के मतलब बात वही होने वाली है, सीएसके वर्सेस रोहित कह लो, एमआई वर्सेस सीएसके कह लो, जिसको भी सपोर्ट कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना। भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलना, मेरा प्रोमो कोड यूज करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, जो कि है Joshi25, जिससे तुम्हें ₹25 का बोनस मिल जाएगा, खेलना स्टार्ट कर सकते हो भाई उससे। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ यस या नो करके पैसा कमाने का इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है, और ऊपर से तुम्हारा भाई हेल्प कर रहा है ना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे याद से ज्वाइन कर लो, जहां पे मैच से पहले कह लो, मैच के दौरान कह लो, सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, वहां से भी जाके अगर तुम यस या नो करते रहोगे तो मैच खत्म होने तक पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के भी चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।